Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. This is the next lecture of electricity and magnetism, in which we will discuss about capacitor. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है. विद्युतिकी एवं चुंबकत्व का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे. In this lecture, we will discuss about capacitor, parallel plate capacitor. Capacity of a parallel plate capacitor when it is completely filled with dielectric, and the capacity of a parallel plate capacitor when it is partially filled with डायलेक्ट्रिक. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम संधारित्र क्या है, समांतर पट संधारित्र क्या होगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या होगा, यदि किसी समांतर पट संधारित्र को परावैद्युत से पूर्णतः भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इसी प्रकार यदि किसी समांतर पट संधारित्र को आंशिक रूप से किसी परावर्तित माध्यम द्वारा भर दिया जाए तो उसकी धारिता किस प्रकार परिवर्तित होगी, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम यहां चर्चा करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर. तो सबसे पहले संधारित्र. नाउ कैपेसिटर या संधारित्र, द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. किसी युक्ति द्वारा विद्युत आवेश संग्रहित करने की क्षमता उसकी विद्युत धारिता कहलाती है. तो कोई डिवाइस हमारे पास में है, कोई युक्ति हमारे पास में है, तो वो जो डिवाइस है या वो जो युक्ति है वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करती है, कितना विद्युत आवेश संग्रहित कर सकती है, तो उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होगी, विद्युत आवेश संग्रहित करने की क्षमता होगी, वो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगी, वो उसका विद्युत धारिता होगी. द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोरिंग द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर. वह युक्ति जो आवेश संग्रहित करती है या वह युक्ति जिसका उपयोग आवेश के संग्रहण में किया जाता है संधारित्र कहलाती है. तो जो एबिलिटी है वो एबिलिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, और जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करती है वो डिवाइस कैपेसिटर होगी, वह युक्ति संधारित्र होगी. इफ क्यू चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर एंड इट इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय वी. यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तथा यह आवेश देने पर उसका विभव वी बढ़ जाता है, या यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि वी हो तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. तो जितना चार्ज उसको ज्यादा दोगे उतना पोटेंशियल उसका ज्यादा इंक्रीज होगा. तो Q का मान हम जितना बढ़ाएं उतनी ही उसका विभव बढ़ेगा. सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा एंड इक्वल टू का साइन आएगा. सो इफ वी एलिमिनेट दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, यदि हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं, देन वी गेट एन इक्वल टू साइन एंड अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो हम
बराबर का चिन्ह तथा साथ ही एक समानुपाती चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सो क्यू इक्वल टू सी वी, दिस सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां सी एक समानुपाती नियतांक है जो चालक की धारिता कहलाता है, एंड सी इक्वल टू क्यू बाई वी। हियर सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यहां सी समानुपाती नियतांक है जो चालक की धारिता कहलाता है। नाउ अगर हमको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को डिफाइन करना हो या किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को डिफाइन करना हो तो फॉर्मूला हमारे पास में C इक्वल टू क्यू बाई वी है। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी से हम किसी चालक की धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा? रेशियो ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल, आवेश एवं विभव का अनुपात चालक की धारिता होगा। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट एंड द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू दैट चार्ज। किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिया गया आवेश तथा इस आवेश को देने पर चालक में प्राप्त विभव की मात्रा का अनुपात होगा। तो किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा या किसी चालक की विद्युत धारिता क्या होगी? वो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को जो हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं और उस चार्ज को देने पर उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाता है, कितना चेंज हो जाता है। तो Q एंड V का जो रेशियो है, आवेश तथा विभव का जो अनुपात है, उसे हम चालक की धारिता कहते हैं। तो किसी चालक की धारिता उस चालक को दिया गया आवेश तथा उस आवेश को देने पर चालक के विभव में परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। The value of C depends only on the nature of the medium in which conductor is located. धारिता C का मान केवल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें चालक स्थित है। तो कंडक्टर को हमने जिस मीडियम में रखा है, चालक को जिस माध्यम में रखा है, उसका नेचर क्या है या उसकी प्रकृति क्या है, ये इस बात को डिसाइड करेगी कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी या उस चालक की धारिता कितनी होगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। धारिता सी का मान चालक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है या चालक किस पदार्थ से निर्मित है, इस बात पर उसकी धारिता डिपेंड नहीं करती है, इस बात पर उसकी कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच कंडक्टर इज लोकेटेड। धारिता का मान केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह चालक जिस माध्यम में रखा है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। नाउ C इक्वल टू क्यू बाई वी हमने निकाला था। इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इक्वल टू क्यू। तो यदि V का मान 1 वोल्ट हो तो C इक्वल टू क्यू होगा। इसका मतलब किसी कंडक्टर को दिया गया वह आवेश जिसको देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाती है, वह उसकी धारिता कहलाती है। तो अगर किसी आवेश को देने पर चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है
तो वहां आवेश उस चालक की धारिता होगा। Thus, the capacitance of the conductor is numerically equal to the charge which required to raise its potential by unit amount. किसी चालक की धारिता आंकिक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जिसको देने पर चालक का विभव एकांक बढ़ जाता है या चालक के विभव में वृद्धि एकांक होती है। मीन्स अगर हम कोई चार्ज किसी कंडक्टर को प्रोवाइड करें और उस चार्ज को लेने पर उसका पोटेंशियल यूनिट अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है, उसका विभव एकांक मात्रा में बढ़ जाता है, तो वो जो चार्ज होगा जो हमने कंडक्टर को दिया है वो एक्चुअल में उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस होगी, उस चालक की धारिता होगी। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक। अब C इक्वल टू क्यू बाई वी है, क्यू इज द चार्ज ऑफ कंडक्टर एंड चार्ज की यूनिट कूलम होती है एंड वी इज पोटेंशियल या वी विभव है तथा विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो C की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर वोल्ट। सो C इक्वल टू क्यू बाई वी था, आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो C की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम फेरेड कहते हैं। सो यूनिट ऑफ C इज फेरेड एंड फेरेड इज रिप्रेजेंटेड बाय F, फेरेड को हम F से निरूपित करते हैं। तो अगर हमको 1 फेरेड को डिफाइन करना हो, 1 फेरेड को यदि हमें परिभाषित करना है, तो Q हमारा 1 कूलम होगा, V हमारा 1 वोल्ट होगा। तो यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। इफ ऑन गिविंग 1 कूलम चार्ज टू अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट देन इट्स कैपेसिटेंस इज सेट टू बी 1 फेरेड। तो यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर थ्रू 1 वोल्ट देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेट टू बी 1 फेरेड। यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए 1 कूलम आवेश की आवश्यकता हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। नाउ अदर यूनिट्स, सिंस फेरेड इज वेरी लार्ज यूनिट और इट इज अ वेरी बिगर यूनिट, सो वी रिक्वायर्ड सम अनदर यूनिट्स। चूंकि फेरेड एक बहुत बड़ा मात्रक है इसलिए हमें कुछ अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है। सो 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10^-6 फेरेड, 1 नैनोफेरेड इक्वल टू 10^-9 फेरेड एंड 1 माइक्रो माइक्रोफेरेड और 1 पिकोफेरेड, क्योंकि माइक्रो 10^-6, माइक्रो 10^-6, सो माइक्रो माइक्रोफेरेड हो जाएगा 10^-6 इंटू 10^-6, इसका मतलब 10^-12 फेरेड। तो माइक्रो माइक्रोफेरेड को हम पीको फेरेड भी कहते हैं। सो 1 पीको फेरेड इक्वल टू 10^-12 फेरेड। तो कैपेसिटी की दूसरी यूनिट हमारे पास में है माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड एंड पीको फेरेड। अब कैपेसिटर क्या होगा, एन अरेंजमेंट ऑफ 2 मेटेलिक कंडक्टर्स सो दैट व्हेन 1 इज कनेक्टेड टू द अर्थ द अदर हैज द एबिलिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। 2
धात्विक चालक की ऐसी व्यवस्था जिसमें से यदि एक को भू संपर्कित कर दिया जाए तो दूसरे में अधिक आवेश एकत्रित करने की क्षमता आ जाती है, संधारित्र कहलाती है। तो दो मेटेलिक कंडक्टर हमारे पास में है, दो धात्विक चालक हमारे पास में है, और उसमें से अगर हम एक को भू संपर्कित कर दें, एक को अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो जो सेकंड कंडक्टर है वो और ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा और अधिक आवेश एकत्रित करेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है या ये जो व्यवस्था है इसको हम संधारित्र कहते हैं। तो ये हमारी एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये धातु की एक प्लेट और ये दूसरी धातु की प्लेट। हम इसको चार्ज देते हैं, आवेश प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे इसको आप आवेश दोगे, आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। और इसके पास में हमने एक न्यूट्रल प्लेट रखी है, मतलब पहले हमारे पास में एक सिंगल कंडक्टर है, एक अकेला चालक है। तो हम जितना इसको चार्ज दे सकते थे उसको हमने प्रोवाइड किया। अब अगर इसको और अधिक चार्ज दोगे तो स्टोर नहीं करेगा। तो इसकी मैक्सिमम एबिलिटी जो चार्ज स्टोर करने की थी वहां तक ये पहुंच गया है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके पास में एक न्यूट्रल प्लेट रखते हैं, एक उदासीन चालक पट्टी का रखते हैं। तो अब क्या होगा, इसको आपने प्लस आवेश दिया था, तो ये जो दूसरी प्लेट है इसमें इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्रेरण के कारण इस चालक की आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश होगा। तो इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब आप इसको चार्ज प्रोवाइड करते हो तो ये चार्ज यहां से यहां तक मूव करता है। तो इसने जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर करना था वो स्टोर कर लिया, और ज्यादा इसको चार्ज दोगे तो चार्ज इसकी तरफ फ्लो होगा। तो ये भी हमारी चार्ज होने लगेगी, आवेशित होने लगेगी। इसका मतलब इसको आप और ज्यादा चार्ज दे सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास में दो प्लेट हो गई हैं। तो पहले ये स्टोर करेगा, फिर अपना चार्ज इसको प्रोवाइड करेगा, तो ये भी चार्ज स्टोर करेगा। तो इस टाइप से दो प्लेट हमारे पास में हो गई है। अब हम क्या करते हैं, एक मैक्सिमम लेवल तक ये चार्ज स्टोर कर सकता है, उसके बाद में स्टोर नहीं करेगा। तो अगर इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी और बढ़ानी है, आवेश संग्रहण करने की और ज्यादा इसकी क्षमता बढ़ानी है, एबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो हम क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रल प्लेट थी इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, इस उदासीन पट्टिका को भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे हम ऐसा मानते हैं कि ये जो बाहर इसका आवेश था वो हमारे अर्थ में चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा। तो इसका चार्ज धीरे धीरे कम होगा। इसका मतलब इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हो, क्योंकि ये चार्ज अब और ज्यादा इसको प्रोवाइड करेगा। तो पहले हमारे पास में सिंगल कंडक्टर था, अकेला चालक था, तो मैक्सिमम वैल्यू तक ये चार्ज स्टोर करेगा, उसके बाद में स्टोर नहीं करेगा। इसके एबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने एक और कंडक्टर यहां रखा था, तो इंडक्शन के कारण या प्रेरण के कारण यहां पर नेगेटिव आ गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया, तो ये चार्ज अपना इसको प्रोवाइड करेगा और धीरे धीरे इसका चार्ज कम होने लगेगा। तो ये दोनों प्लेट मिलकर, ये दोनों चालक मिलकर और ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, ये भी एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में अगर आपको और चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ानी है तो हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर द कैपेसिटर्स आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। धात्विक चालक के आकार के आधार पर या धात्विक चालक की आकृति के आधार पर हम संधारित्रों को समांतर पट्ट संधारित्र, गोलीय संधारित्र तथा बेलनाकार संधारित्र में विभाजित कर सकते हैं। तो अगर मेटेलिक कंडक्टर का शेप पैरेलल प्लेट की फॉर्म में है
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यदि धात्विक चालक समांतर प्लेट की फॉर्म में है, समांतर प्लेट के रूप में है, तो समांतर पट्ट संधारित्र, यदि धात्विक चालक गोले के रूप में है, इफ मेटेलिक कंडक्टर्स आर इन द शेप ऑफ स्फेयर, देन दिस विल बी स्फेरिकल कैपेसिटर, तो यह गोलीय संधारित्र होगा, एंड इफ द मेटेलिक कंडक्टर आर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तथा यदि धात्विक चालक बेलन के रूप में हो, तो इसे हम बेलनाकार संधारित्र कहेंगे, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहेंगे। द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विद्यमान कुचालक माध्यम परावैद्युत कहलाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है या कोई भी हमने कैपेसिटर लिया है, उसकी प्लेट के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम भरोगे, जो कुचालक माध्यम हम भरेंगे, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। इफ एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, देन द कैपेसिटर इज सेट टू बी एयर कैपेसिटर। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु भरी हो, तो वह संधारित्र वायु संधारित्र होगा, एयर कैपेसिटर होगा। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्ट संधारित्र। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर पट्ट संधारित्र। नाउ दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यह समांतर पट्ट संधारित्र की प्रायोगिक व्यवस्था है। हियर पी एंड क्यू आर टू पैरेलल प्लेट्स, यहां पी तथा क्यू दो समांतर पट्टिकाएं हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डी, इन दोनों पट्टिकाओं के मध्य दूरी डी है। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट पी, माना प्लेट पी को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश इस प्लेट पर एक समान रूप से वितरित होगा। दिस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स सरफेस, एंड ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन द इनर साइड ऑफ प्लेट क्यू, परंतु प्रेरण के कारण इस प्लेट क्यू के आंतरिक भाग पर माइनस क्यू आवेश होगा, जबकि इसकी बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश होगा। सिंस वी कनेक्ट दिस प्लेट टू ग्राउंड, सो इट इज एज्यूम्ड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस प्लेट पासेस टू ग्राउंड, परंतु इस पट्टिका को हम भू संपर्कित कर देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसका धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स पी एंड क्यू, इसमें दो समांतर पट्टिकाएं पी तथा क्यू होती हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बी डी, माना इन पट्टिकाओं के मध्य दूरी डी है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट बी ए, प्रत्येक पट्टिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू ऑन पी एंड माइनस क्यू ऑन क्यू, माना प्लेट पी पर धनावेश प्लस क्यू के कारण तथा प्लेट क्यू के ऋणावेश माइनस क्यू के कारण इन दोनों पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने ई माना है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यह विद्युत क्षेत्र इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा।
Here sigma is surface charge density. यहाँ sigma पृष्ठ आवेश घनत्व है. Whereas epsilon naught is permittivity of free space. जबकि epsilon zero निर्वात की विद्युतशीलता है. तो E equal to sigma upon epsilon zero. Now the relation between electric field and potential is E equal to V by D. विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव में संबंध होता है E equal to V by D. So यहां से पोटेंशियल या विभव का मान मिलेगा V equal to E into D. So V equal to E into D. Here V is the potential difference between the plates. यहां V दोनों पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर है. Now E equal to sigma by epsilon naught था एंड V equal to E into D था. तो E की ये वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं तो V क्या हो जाएगा sigma D upon epsilon naught. तो V की हमको ये वैल्यू मिल गई है. Since surface charge density sigma equal to Q upon A, चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व sigma equal to Q upon A होता है तो इस सिग्मा की जगह हम Q by A रखें तो V क्या आ जाएगा Q D upon epsilon naught A. So V equal to Q D upon epsilon naught A. Now the capacitance of the parallel plate capacitor, इसलिए समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C equal to Q upon V. अब V की वैल्यू QD upon epsilon naught A है तो V की ये वैल्यू आप यहां पर रखो तो C क्या जाएगा Q divided by QD upon epsilon naught A. So C equal to Q upon QD upon epsilon naught A. अब Q से Q cancel हो जाएगा and epsilon naught A numerator में चला जाएगा या अंश में चला जाएगा तो C क्या हो जाएगा epsilon naught A upon D. So capacitance of the parallel plate capacitor is C equal to epsilon naught A upon D. अतः समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C equal to epsilon naught A upon D होगी. अब यहां से क्लियर है कि C is directly proportional to A and C is inversely proportional to D. C का मान प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है क्योंकि C is directly proportional to A and C D के व्युत्क्रमानुपाती है. इट मींस दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी उतनी संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी. इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, अर्थात धारिता का मान K गुना बढ़ जाता है. सो C इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. दिस इज द सिंबल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर. तो यदि संधारित्र की धारिता नियत हो तो हमारा सिंबल ये होगा एंड अगर वेरिएबल कैपेसिटर हो मींस ऐसा कैपेसिटर जिसकी धारिता हम चेंज कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं तो उसका सिंबल हमारा इस तरह से होगा. तो अगर किसी भी सिंबल के ऊपर हम ये एरो लगा दें तो इसका मतलब वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा परिवर्ती हो जाएगा. तो ये कैपेसिटर था इसलिए इसके ऊपर अगर हम एरो लगा दें तो हमको वेरिएबल कैपेसिटर मिलेगा परिवर्ती संधारित्र मिलेगा. नाउ कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब वह किसी परावैद्युत माध्यम से पूर्णतः भरा हो. So capacity of a parallel plate capacitor completely filled with dielectric. तो हमारा डायग्राम यहां पर ये हमारे
पी एंड क्यू किसी कैपेसिटर की प्लेट है, किसी संधारित्र की पट्टिका पी तथा क्यू है, इन प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डी है, इन प्लेटों के मध्य दूरी डी है, एंड प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट पी एंड ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज विल बी ऑन क्यू। प्लेट पी को हम प्लस क्यू आवेश प्रदान करते हैं तो प्रेरण के कारण प्लेट क्यू पर माइनस क्यू आवेश होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। तो अगर इन प्लेट के बीच में कुछ नहीं है उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने ई नॉट कहा है, उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र का मान ई नॉट है। अब हम क्या करते हैं, इन प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य हम एक परावैद्युत माध्यम रखते हैं, ये परावैद्युत पट्टिका रखते हैं, और ये जो स्लैब है या ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये जो परावैद्युत पट्टिका है इसकी मोटाई डी है, इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल हो गई है, परावैद्युत पट्टिका से भर गई है। तो जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप इस कैपेसिटर के बीच में रखोगे तो पोलराइजेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो प्लेट पी की तरफ ऋणावेश चला जाएगा जबकि प्लेट क्यू की तरफ धनावेश आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा जो हमारा पोलराइजेशन के कारण है या ध्रुवण के कारण है, इसलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ईपी कहा है, और इस ईपी की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगी, इसका मतलब ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेट पी एंड क्यू बी टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, माना पी तथा क्यू एक समांतर पट्ट संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, माना डी पी तथा क्यू के मध्य दूरी है, मीन्स ये डिस्टेंस हमारी डी है। लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन पी एंड क्यू, माना पी तथा क्यू पट्टिकाओं के मध्य डी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रख दी जाती है। तो पी एंड क्यू हमारी प्लेट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इंडक्शन के कारण या प्रेरण के कारण यहां पर माइनस क्यू आवेश होगा, ऋणावेश होगा। तो इन दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा जिसकी वैल्यू ई नॉट है और डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ होगी। अब हम क्या करते हैं, पी एंड क्यू के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, एक परावैद्युत पट्टिका रखते हैं, और ये जो पट्टिका है इसकी मोटाई डी है। सिंस द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि परावैद्युत पट्टिका की मोटाई संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी के बराबर है, दस होल पोर्शन ऑफ द कैपेसिटर इज कवर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक, इस प्रकार संधारित्र का संपूर्ण भाग परावैद्युत द्वारा ढक दिया जाता है। तो पी एंड क्यू के बीच में जो भी डिस्टेंस थी, जो भी दूरी थी, वो दूरी कंप्लीटली हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने कवर कर ली है, परावैद्युत पट्टिका ने भर दी है। ड्यू टू चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हिच पोलराइज्ड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, संधारित्र की पट्टिकाओं के आवेश के कारण, क्योंकि इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है और यहां पर माइनस क्यू आवेश हो गया है, संधारित्र की प्लेटों के आवेश के कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, यह विद्युत क्षेत्र परावैद्युत पट्टिका को ध्रुवित कर देता है,
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया है, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पोलराइज कर देता है, इसको ध्रुवित कर देता है। तो ध्रुवण के कारण या पोलराइजेशन के कारण ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा या हमारा नेगेटिव हो जाएगा। लेट ई नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। माना माध्यम की अनुपस्थिति में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट है। एंड ई पी बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तथा ई पी परावैद्युत पट्टिका के अणुओं के ध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमारी पोलराइज होगी, परावैद्युत पट्टिका हमारी ध्रुवित होगी, तो उसके मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे, अणु ध्रुवित होंगे। तो इस ध्रुवण के कारण या पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ है उसको हमने ईपी कहा है। तो परावैद्युत पट्टिका के अणुओं के ध्रुवण के कारण स्थापित विद्युत क्षेत्र ईपी है, और इस ईपी की डायरेक्शन ई नॉट के अपोजिट होगी। ईपी तथा ई जीरो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। लेट पी बी द पोलराइजेशन डेंसिटी। माना पी ध्रुवण घनत्व है। नाउ ये हमारा डायग्राम था। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। सो ई इक्वल टू ई नॉट प्लस ई पी, बट ई पी इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर पी इज पोलराइजेशन डेंसिटी, पी ध्रुवण घनत्व है। अब ई पी एंड ई नॉट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो जैसे आप वेक्टर हटाओगे, EP एंड E नॉट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, EP तथा E जीरो विपरीत दिशा में हैं। तो जैसे आप वेक्टर हटाओगे या सदिश का चिन्ह हटाओगे तो E क्या जाएगा, E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि E नॉट एंड EP अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए यहां पर माइनस साइन आ गया है। बट V इक्वल टू E टू D। नाउ इस E की जगह हम E नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखें तो V क्या मिल जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लेट P एंड Q के बीच में, पट्टिका P तथा Q के मध्य विभवांतर, V इक्वल टू E नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो यहां पर हमने E की जगह E नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा है, तो V इक्वल टू E नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। नाउ कैपेसिटर ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो इस V की जगह हम ये पुट करें तो C क्या आ जाएगा, C इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इफ देर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटी C नॉट इक्वल टू क्यू बाई वी। यदि समांतर पट्ट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम नहीं हो या निर्वात हो तो संधारित्र की धारिता C नॉट इक्वल टू क्यू बाई वी। सो V की जगह हम E नॉट D रख देते हैं, क्योंकि जब मीडियम नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E नॉट है, तो V इक्वल टू इन टू D था, इसलिए यहां पर V क्या आ जाएगा, E नॉट इन टू D। So C naught equal to Q upon E naught D। Now C upon C naught निकालोगे तो क्या आएगा, तो C upon C naught equal to C की जगह ये रख दो, C naught की जगह आप ये रखो तो C upon C naught हो जाएगा Q divided by E naught minus P upon epsilon naught D into, ये हम उल्टा कर देते हैं तो E naught D upon Q। So Q से Q cancel कर दो, D से D cancel करो, तो C अपॉन C नॉट क्या आएगा, E नॉट अपॉन E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
So C upon C naught equal to E naught upon E naught minus P upon epsilon naught. तो हमारे C upon C naught की वैल्यू आ गई है. Now C upon C naught ये था. E equal to E naught minus P by epsilon naught है. It means E naught minus P upon epsilon naught की जगह हम E रख सकते हैं. और यहां पर E naught की जगह E naught यहां से निकालो तो क्या आएगा? E plus P upon epsilon naught. So इस E naught की जगह E plus P upon epsilon naught और इस E naught minus P by epsilon naught की जगह E रखो. So C upon C naught क्या आ जाएगा? E plus P upon epsilon naught divided by E. So C upon C naught equal to E plus P upon epsilon naught divided by E. Now इसको दो पार्ट में ब्रेक करें तो E upon E1 plus P upon epsilon naught divided by E, ये क्या आ जाएगा? P upon epsilon naught E. So 1 plus P upon epsilon naught E. So C upon C naught की वैल्यू हमको ये मिली है तो C क्या आ जाएगा? C naught times 1 plus P upon epsilon naught E. So C equal to C naught times 1 plus P upon epsilon naught E. तो अगर हम मीडियम रखें तो कैपेसिटी की वैल्यू हमारी ये हो जाती है. But P upon epsilon naught E is chi. तो ये जो chi है, this is known as electric susceptibility. यहां विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है. So chi is electric susceptibility. Chi विद्युत प्रवृत्ति है. तो P upon epsilon naught E की जगह आप chi रख सकते हैं. तो पहले हम chi को define करें या विद्युत प्रवृत्ति को हम परिभाषित करें तो वो क्या जाएगा? The electric susceptibility is defined as the ratio of the polarization density of medium and the product of the electric field strength in the presence of a dielectric medium and the permittivity of free space. तो किसी माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति, उस माध्यम का ध्रुवण घनत्व तथा परावैद्युत की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य एवं निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है. तो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगी या विद्युत प्रवृत्ति क्या होगी? पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ मीडियम, माध्यम का ध्रुवण घनत्व तथा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य एवं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता की गुणनफल के अनुपात के बराबर होती है. नाउ यहां पर हम काई रखें सो C इक्वल टू C नॉट 1 प्लस काई. नाउ C इक्वल टू C नॉट 1 प्लस काई आया था एंड C अपॉन C नॉट इज K. K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. परावैद्युतांक क्या होता है? C upon C naught. So यहां से C upon C naught हो जाएगा 1 plus chi and C upon C naught की जगह हम K रखें. So K equal to 1 plus chi. Here K is dielectric constant. K परावैद्युत नियतांक है. So K equal to 1 plus chi. For all the material medium, chi is greater than 0. सभी धात्विक माध्यम के लिए काई का मान शून्य से अधिक होता है. इट मीन्स के इज ग्रेटर देन 1. देयरफॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज ग्रेटर देन 1. इसलिए परावैद्युत नियतांक का मान 1 से अधिक होगा. सो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब उसे परावैद्युत माध्यम से आंशिक रूप से भरा जाता है. सो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक. ये हमारा डायग्राम, ये प्लेट P और ये प्लेट Q. इस प्लेट P को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, धनावेश दिया है और प्रेरण के कारण यहां पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है. अब
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगा, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा जो हमारा E नॉट है, और इस E नॉट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ। अब यहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, एक परावैद्युत पट्टिका रखी है जिसकी थिकनेस या मोटाई टी है। तो जैसे इस प्लेट को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखोगे तो हमारी पोलराइज हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगी। तो ध्रुवण के कारण ये भाग धनावेशित और ये भाग ऋणावेशित हो जाएगा। तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई कहा है, या विद्युत क्षेत्र हमारा ई है, एंड इक्वल टू ईपी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पोलराइजेशन के कारण है, ध्रुवण के कारण है, इसलिए हमारा ईपी है। पी एंड क्यू बी टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटें पी तथा क्यू हैं। डी डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी तथा क्यू के मध्य दूरी डी है। लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन पी एंड क्यू, माना पट्टिका पी तथा क्यू के मध्य एक परावैद्युत पट्टिका जिसकी मोटाई टी है रख दी जाती है, एंड डी की वैल्यू टी से ज्यादा होगी। इसका मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये परावैद्युत पट्टिका है, ये पूरे डिस्टेंस को कवर नहीं कर रही है, आंशिक रूप से भरी हुई है। सिंस द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, चूंकि परावैद्युत पट्टिका की मोटाई संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी की तुलना में कम है, thus the capacitor is partially filled by the dielectric slab। इस प्रकार संधारित्र परावैद्युत पट्टिका से आंशिक रूप से भरा हुआ है। Due to charge on the plates of capacitor, an electric field is set up between the plates of the capacitor, which polarized the dielectric slab। संधारित्र की पट्टिकाओं को आवेश देने पर उनके मध्य एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह विद्युत क्षेत्र परावैद्युत पट्टिका को ध्रुवित करता है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, एक परावैद्युत पट्टिका रखी है, इसलिए यह प्लेट हमारी पोलराइज हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ईपी इक्वल टू ई है। ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस ऑफ द कैपेसिटर, माना E0 संधारित्र के मुक्त भाग में विद्युत क्षेत्र है। मुक्त भाग कौन सा? इतना डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने कवर कर दिया है, और टोटल हमारा डी था, तो डी में से ये टी घटा दो तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? डी माइनस टी। तो डी माइनस टी डिस्टेंस तक, ये डी माइनस टी भाग में विद्युत क्षेत्र ई नॉट होगा। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ई परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस ई नॉट, मुक्त आकाश का विद्युत क्षेत्र ई नॉट। सी हमारा डायग्राम था। अब ई नॉट की वैल्यू हमको निकालनी है। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स phi इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यहां से क्यू क्या आ जाएगा? क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट phi, एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ phi, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से phi इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई विद्युत क्षेत्र है, और हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में ई नॉट है,
तो फाइ की ये वैल्यू हम यहां पर रखें तो क्यू क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई नॉट कह रहे हैं तो पहले इसको ई डी एस कॉस थीटा लिखोगे, सो क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट तो इसको ई नॉट रखो, एंड ई एंड डी एस के बीच में एंगल जीरो डिग्री होता है सो थीटा को हम जीरो कर देते हैं, सो ई नॉट एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन डीएस कॉस जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है गॉसियन सरफेस पर, गॉस सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत रहता है इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है। नाउ कॉस जीरो इक्वल टू वन, एंड सरफेस इंटीग्रेशन डीएस कितना है, सरफेस इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू ए, क्योंकि पट्टिकाओं के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तो इसको हम ए लिखेंगे, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा वन हो गया, तो क्यू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए, सो क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए, एंड यहां से ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो डी माइनस टी भाग में विद्युत क्षेत्र या मुक्त भाग में विद्युत क्षेत्र का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम दैट इज ई, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र अर्थात ई, अब परावैद्युत माध्यम हमारा डी मोटाई तक भरा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होगी वो हम निकाल देते हैं। इफ के इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यदि के परावैद्युत नियतांक हो देन के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, सो ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, तो ई की वैल्यू हमारी ये होगी, एंड ई नॉट की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए है तो ई नॉट की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए रखो, सो ई इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। नाउ ये हमारा डायग्राम था, हियर ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस ऑफ थिकनेस डी माइनस टी, यहां ई नॉट डी माइनस टी मोटाई के मुक्त आकाश में या मुक्त भाग में विद्युत क्षेत्र का मान है, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी, तथा ई टी मोटाई के परावैद्युत भाग में विद्युत क्षेत्र का मान है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, लेट वी पी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ प्लेट पी एंड वी क्यू इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू, माना वी पी प्लेट पी का विभव है तथा वी क्यू प्लेट क्यू का विभव है, अब प्लेट पी पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, एंड क्यू प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है इसका मतलब पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो यहां विभव धनात्मक होगा और यहां पर विभव ऋणात्मक होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, इसलिए पी तथा क्यू के मध्य कुल विभवांतर वी इक्वल टू वीपी माइनस वी क्यू, बट वी इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, तो वीपी एंड वी क्यू दोनों को हम लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल के टर्म्स में लिखते हैं, सो वीपी क्या हो जाएगा माइनस लाइन इंटीग्रेशन ई वन डॉट डीएल वन, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई वन मान लेते हैं और ये डिस्टेंस हम डीएल वन मानते हैं, माइनस ये वाला, और ये क्या हो जाएगा माइनस लाइन इंटीग्रेशन ई टू डॉट डीएल टू, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई टू है, डिस्टेंस ये थिकनेस हमारी डीएल टू है, सो माइनस लाइन इंटीग्रेशन ई टू डॉट डीएल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस, सो माइनस लाइन इंटीग्रेशन ई वन डॉट डीएल वन प्लस लाइन इंटीग्रेशन ई टू डॉट डीएल टू, नाउ ई वन इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि ई वन हमने इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड माना है जो हमारा ई नॉट है, सो ई वन इक्वल टू ई नॉट एंड ई टू इक्वल टू माइनस ई, क्योंकि ई टू की डायरेक्शन इधर है, सो ई टू इक्वल टू माइनस ई, सो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन
ई नॉट डी एल वन कॉस 180 डिग्री, ए प्लस से प्लस, ई टू हमारा माइनस ई है, सो माइनस ई डी एल टू कॉस 180 डिग्री, एंड कॉस 180 माइनस वन होता है, एंड डी एल वन का मतलब डी माइनस टी, एंड डी एल टू का मतलब टी, कॉस 180 इक्वल टू माइनस वन, सो ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस, ई नॉट हमारा कॉन्स्टेंट है, सो ई नॉट इंटीग्रेशन डी एल वन एंड कॉस 180 माइनस वन, सो ये माइनस और ये माइनस प्लस, सो प्लस ई हमारा कॉन्स्टेंट है, सो ई इंटीग्रेशन डी एल टू. Now integration dl1 is d minus t and integration dl2 is t. तो इसको हम d minus t और इसको हम t रखें. So v equal to e naught into d minus t plus e t. Now v की वैल्यू हमने ये निकाली है. e naught हमारा ये था and e हमने ये निकाला था. तो इस इक्वेशन में e naught की जगह q upon epsilon naught a रखो and e की जगह q upon k epsilon naught a रखो, तो v क्या हो जाएगा, v equal to q upon epsilon naught a d minus t plus q upon k epsilon naught a into t. अब यहां से q upon epsilon naught a common ले लो, so q upon epsilon naught a जैसे common लेते हैं, यहां पर बचता है d minus t और यहां पर बचता है t upon k, so v equal to q upon epsilon naught a and in bracket d minus t plus t upon k. Now capacitance of the capacitor, संधारित्र की धारिता, c equal to q by v. Now v की वैल्यू ये है, तो इस v की जगह आप ये रखो, तो c क्या हो जाएगा, q upon epsilon naught a into d minus t प्लस टी अपॉन के. अब क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, इप्सिलॉन नॉट ए हमारा न्यूमिनेटर या अंश में चला जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. अब चाहे तो हम यहां से टी कॉमन ले सकते हैं, तो सी क्या है हमारे पास में, सी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये डी एज इट इज, बचे हुए में से हम माइनस टी कॉमन लें, सो ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन के, तो सी की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी. अब अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल कर दे, इसका मतलब डी इक्वल टू टी होगा, तो इसको भी हम डी रखें, सो डी माइनस टी जीरो हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या बचेगा, d अपॉन k, तो c क्या हो जाएगा, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और ये फॉर्मूला वही था जो हमने पहले निकाला हुआ है. नाउ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक whose strength is to be calculated without any electric breakdown. किसी परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य उस विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान के बराबर होती है जिसको देने पर उसमें किसी भी प्रकार का विद्युत भंजन नहीं होता है. तो जितना मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डाइलेक्ट्रिक गेन कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, विदाउट एनी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बिना किसी विद्युत भंजन के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान उसका परावैद्युत सामर्थ्य होगा. इट्स यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, एंड प्रैक्टिकली इट इज मेजर्ड एज किलोवोल्ट पर मीटर, परंतु प्रायोगिक रूप में हम किलोवोल्ट पर मीटर लेते हैं. सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं. आज के इस लेक्चर में हमने कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा,
अगर किसी कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कंप्लीटली फिल कर दे तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, और अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक स्लैब से पार्शियली फिल्ड करते हो तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये सर हमने डिस्कस किया था। सो गुड बाय।